बादशाह अकबरा ये हमारा ताजे नूर होता। ओहो क्या खूबसूरत हीरे हैं, वाह। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके ये हीरे हमारे साथ महफूज हैं। जो हमें एक बहुत ही नायाब तोहफा लाकर देगा, हम उसे अपना दिल दे देंगे, वही हमारा प्यार होगा। हीरे, ये हीरे हमारी उर्वशी को तो बहुत पसंद आएंगे। अरे वाह सलीम भाई साहब, क्या वर्जिश कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया सलीम भाई साहब, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत समझ में आ रहा है सलीम भाई साहब, वाह वाह वाह, शाही खून है हम। रानी साहिबा, इन हीरो का मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो महिला, रानी साहिबा जंग हो सकती है हीरो के पीछे, हीरो का मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ गए हीरे? ये कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? ये है हीरे की बात कर रहे हैं हम, कोई चिपकली नहीं है जो दीवार पे चढ़ के तस्वीर के पीछे घुस जाएगी। हमें अपना काम करने दीजिए, आप ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढने दीजिए, आप जाइए, आप छत पे जाके ढूंढिए, जाइए। ये ठीक है अनी साहब, यहाँ पर खोए हैं तो छत पे कहाँ से पहुंच जाएंगे, हम छत पे क्यों जाएं? मिल गया, अरे हीरा मिल गया, लाइए लाइए, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, नाड़ा मिल गया, वो नाड़ा जो आप ढूंढ रहे थे ना उस दिन, वो मिल गया। अरे रानी साहिबा, जो चीज जब चाहिए होती है तब तो मिलती नहीं, अब जाके नाड़ा मिल रहा है जब पजामे में हम दूस। रानी साहिबा यहाँ पर हम हीरा ढूंढ रहे हैं, नाड़ा नाड़े का क्या करेंगे, अभी हीरा ढूंढिए, वरना वो महिला जयसूर्या हमारा एका दुक्का थुन्ना कर देंगे। जा बना की जय। अरे बीरबल अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन जय हो बाद में कीजिए, पहले ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, अरे लेकिन ये तो बताइए कि ढूंढना किसे? रानी साहिबा। रानी साहिबा तो यही सामने, इन्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे रानी साहिबा को जो हमने बेशकीमती हीरे दिए थे ताजे नूर, वो अपने राजा जयसूर्या के वो हीरे खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या कहाँ खो गए? बीरबल अगर हमें पता होता वो कहाँ खो गए तो फिर हम आपको ढूंढने के लिए क्यों कहते? ढूंढिए वरना उस राजा को हम क्या जवाब देंगे? जा पना, पहले आप ये ढूंढिए कि जयसूर्या जी को क्या जवाब देना है। मतलब वो आ गए हैं, महल के द्वार पर ही हैं। रानी साहिबा आरती उतारिए। क्या? नहीं, हम कह रहे हैं आप किसी दासी को कहिए कि जाके दरवाजे पर उनकी आरती उतारे, उनको वहीं पर रोक के रखिए। जापना इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? हाँ बहुजूर, घोड़े की दुम पे हथौड़ा मारो तो वो भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं दौड़ता जितनी जल्दी आप दौड़ रहे हैं। बस अभी आप हमारे फौलादी शरीर से टकराने से बच गए। बलदेव जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? लंका के राजा ने जो ताजे नूर के दो हीरे हमें अमानत के तौर पर सौंपे थे वो रानी साहिबा की तिजोरी से चोरी हो गए। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, रानी साहिबा की तिजोरी में रखे थे और पता नहीं अब वहाँ से कहाँ चले गए हैं। अरे हमें तो लगा था कि रानी साहिबा की तिजोरी सबसे महफूज जगह होगी, लेकिन वहाँ से भी गायब हो गई, पता नहीं कैसे। अभी तक मिले नहीं। अरे अभी तक मिले नहीं से आपका क्या मतलब है? तीनों हीरे चोरी तो नहीं हो गए? अरे नहीं जापना, रानी साहिबा की तिजोरी से कोई चोरी नहीं कर सकता। कर सकता है मगर उसके इरादे नेक भी तो हो सकते हैं। किसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप, किसी चोर का इरादा नेक कैसे हो सकता है? बीरबल आप इसकी तफ्तीश कीजिए, किसी तरह भी इन हीरो को ढूंढिए। आइए बलदेव आप हमारे साथ आइए, और आप हटिए रास्ते से, रास्ते में क्या खड़े हैं, बादशाह कौन है यहाँ पर? आप चलेंगे हमारे साथ? हीरे, और करो और, अरे बस करो बजीरा, और कितना आरती उतारेगा, पिछला दो घंटे से उतार रहा है, चार बार दिया बुझा, जला जला कर उतार रहा है। हम वजीरे आजम है, वजीरा नहीं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है स्वागत करना। पहली बार आया इतना स्वागत नहीं किया, अब क्यों? हम दूसरी बार आने पर ही स्वागत करते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। रानी साहिबा आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। ये तो
कुछ भी नहीं है बिरबल। अरे हमारे महके में तो एक सवाल के चार चार जवाब दिए जाते थे। तो पता कैसे चलता था कि सही जवाब कौन सा है? चारों जवाब सही होते थे, सवाल ही गलत होता था। रानी साहब फिलहाल आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि एक बार आपने हीरे तिजोरी में रखे, फिर कितनी बार तिजोरी खोली? पहली बार तिजोरी खोली बिरबल हमारे महके से आए हुए 9 लाख का हार पहनने के लिए। तब हीरे थे? हाँ थे ना। उसके बाद हम श्रृंगार करने बैठ गए, फिर हमें हमारी माँ की कही हुई बात याद आ गई। कौन सी बात? माँ हमेशा कहती थी कि बेटा 9 लाख के हार के साथ तुम्हारे हाथों पे कंगन बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर आपने कंगन निकालने के लिए तिजोरी खोली? नहीं नहीं, माँ के दिए हुए कंगन निकालने के लिए तिजोरी खोली। इस पे आप पाँव रखें और दूसरा पाँव इस पर रखें आप। अब महारानी जी आप भी रखिए इस पर पाँव। महारानी जी दूसरे पाँव पर रखिए ये। बस कर पकीरा। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? हमारा रिवाज है, रिवाज तो पूरा करना पड़ेगा ना। हम स्वागत कर रहे हैं आपका, ठीक से स्वागत करने दीजिए, कीजिए आराम से ठीक से कीजिए। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए मतलब आगे बताइए। बताइए। फिर झापना का नाड़ा, वो भी आप तिजोरी में रखती हैं? अरे नहीं नहीं बिरबल, वो दासी ने आके हमें बताया कि जहांपना का नाड़ा गुम गया, तो हम फटाफट जहांपना के पास गए नाड़ा ढूंढने। अब फिर यहीं कहीं कपड़े पड़े थे और चाबी भी हमारे हाथ में थी, तो हमने सलीम को चाबी और कपड़े दे दिए। चला सलीम को? हाँ। शहजादे सलीम। अरे नहीं जापना, रानी साहब की तिजोरी से कोई चोरी नहीं कर सकता। कर सकता है मगर उसके इरादे नेक भी तो हो सकते हैं। शहजादे सलीम, इस वक्त शहजादे सलीम कहाँ होंगे? तशरीफ रखिए, आप भी अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। कैसा लगा आपको हमारा स्वागत? बादशाह अकबरा इतना लंबा स्वागत करेगा, हम लंका जाता जाता बूढ़ा हो जाएगा। अब आप हमें एकाधेका तूना कर दीजिए। अच्छा आपका एकाधेका थूना करना है, अभी करवाते हैं। सिपाहियों इनका सर कलम कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, महाराज कह रहे हैं कि अगर इनको इनके हीरे वापस मिल जाए तो ये यहाँ से 1, 2, 3 यानी लंका वापस चले जाएंगे। हाँ हीरे हमारे पास है तो हीरे हम आपको दे देते हैं। हम हीरा आपको देंगे, आप लेंगे, आप लेके चले जाएंगे। आपको हीरा मिल जाएगा तो आप चले जाएंगे, पहले एक बार हीरा हमें मिल जाए। क्या? नहीं हम कह रहे हैं कि पहले हम और आप तो मिल जाएं। इनके दिए हुए हीरे कहां चले गए? पता नहीं किसने चुराए होंगे। अब हम कहां ढूंढेंगे उन्हें? आइए आइए हम आपको अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं, यानी कि रानी साहिबा के पूर्वजों से मिलवाते हैं। वो लोग अभी तक जिंदा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, जिंदा नहीं है लेकिन उनकी तस्वीरें हैं रानी साहिबा ने हर जगह महल में लगा रखी है। आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए आइए आइए। आहा इनसे मिलिए। ये है वो अपने वो ये रोंदूमल 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 बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, बात बात पर रो देते थे, इतना रोते थे कि मूंछों से भी आंसू टपकते थे। ये रोते ही रहते थे लेकिन आंखों से आंसू खत्म हो जाते थे। बजीरा तुम हमको क्यों रुलाता? चलो आगे। हाँ आगे आगे मिलिए, आगे मिलिए, आइए आइए आइए। ये इनसे मिलिए। ये वो अपने वो ये जो है वो ये है खांदूमल 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 खाने के बड़े शौकीन थे। ये इतना खाते थे कि खाना खत्म हो जाता था लेकिन इनकी भूख खत्म नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने इतना खाया कि वो खुद ही खत्म हो गए। देखिए ये तो हो गए रानी साहिबा के मौसेरे, अब उनके फुफेरे चचेरे ममेरे सब हैं, सबसे मिलाते हैं आपको। आइए नहीं जा बना, हम अगली बार आपके रिश्तेदार से मिलता
अभी आप अमार को हमारा ताजे नूर देता। आ रानी? हाँ। अभी आप जाएंगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है खाली पेट जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप अभी जाएंगे तो खाली पेट जाएंगे, और हमारे महल से कोई खाली पेट जाए ऐसा कैसे हो सकता है? हमने शाही खाना बनवाया है आपके लिए, आइए पहले वो खा लेते हैं। आइए आइए शहजादे सलीम, क्या ये आइए। ये क्या कर रहे हैं आप बीरबल जी? शाही खून है हम। सारा का सारा खून बह जाएगा। हमें पता है कि ताजे नूर हीरे आप ही ने लिए हैं। कहाँ हीरे? चोरी कर लिए। देखिए, आपने हीरे लिए, कहाँ है हीरे? चोरी कर लिए। आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। आप भी तो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। ठीक ठीक, आपने हीरे चोरी कर लिए, कहाँ है हीरे? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमसे किसी और ने हीरे चोरी कर लिए। क्या? आ, हम उर्वशी को नायाब तोहफा देने जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो ताजे नूर के हीरे हैं, इसलिए हमने वो हीरे चुराए। लेकिन आप ही अब्बा हुजूर को मत बताइएगा। ठीक है शहजादे सलीम, हम जा पना को कुछ नहीं बताएंगे, बशर्ते आप हमें सब कुछ शुरुआत से बताइए, शुरुआत से। हम अम्मी जान के कमरे में गए हीरे चुराने, क्योंकि उर्वशी को नायाब तोहफा देना था। हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें बीच में वासु मिला जो गलत वर्जिश कर रहा था। हमने उसको टोका भी, फिर हमने उसको सही वर्जिश करना सिखाई, लेकिन उसने कहा कि आप दूसरी तरफ देख के वर्जिश करना सिखाइए। हमने जब दूसरी तरफ देख के उसको वर्जिश करना सिखाया और वापस देखा तो वासु भी गायब था और हीरे भी गायब थे। इसके बाद हमें वासु एक दो बार तो दिखा, लेकिन हमें कहीं हीरे नहीं दिखे। वासु हीरे? अरे खाइए खाइए, आराम से खाइए। आप लोग रुक क्यों गए? खाइए ना, खाइए 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 खाइए। बस कीजिए, अब और खाएगा तो यहीं गिर जाएगा। अब आप हमें एक आदुका तूना कर देता। महाराज कह रहे हैं कि आप बिना मसाले का इतना बेस्वाद खाना मत खिलाइए, रहम करो, हीरे लौटा दो ताकि हम लंका वापस प्रस्थान कर सकें। अब देखिए, मसाले जो हैं वो तो हमारे यहाँ आपके रियासत से ही आते हैं। अब आपकी रियासत में बगावत चल रही है तो मसाले नहीं आ रहे, तो अब उसका हम क्या कर सकते हैं? बाकी आपके हीरे हमारे पास हैं, वो हम आपको दे देंगे। आपके हीरे हम क्यों खोएंगे? खो देंगे। क्यों नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे जहाँ पना। वही 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 हम कह रहे हैं कि आपके हीरे हम क्यों नहीं देंगे, हमारे पास रखे हैं, हम आपको हीरे दे देंगे। लेकिन आप क्या ये हीरों के पीछे पड़े हैं? आपको हमारे रियासत के नायाब नगीने से मिलाते हैं। एक बार आप हमारे रियासत के नायाब नगीने को देख लेंगे ना, सारे हीरे भूल जाएंगे आप। छोड़िए ना जहाँ पना, क्या आप भी? नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसे क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? एक बार आप उर्वशी का नृत्य देखिए। अच्छा, एक बार देखिए उनका नृत्य। अरे फिर क्या हीरा और क्या पन्ना। बलदेव जहां पना, उर्वशी के नृत्य का आयोजन किया जाए, आज रात ही होगा उर्वशी का नृत्य जो आप देखेंगे रात को। हाँ तो क्या धूप में नाचेगी? रात तक रुकना पड़ेगा आपको। आपको रुकना पड़ेगा। वासु यहाँ आइए, आप यहाँ आइए हमारे साथ। वासु मुझे पता है कि आपको सब पता है, अब आपको जो पता है वो मुझे सब बता दीजिए। बीरबल जी, आप कब से मुझे पता है मुझे पता बोलने लग गए? और पहले मुझे तो बताइए कि मुझे क्या पता है, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मुझे क्या पता है। ताजे नूर हीरो का पता पता है जो आपने शहजादे सलीम से चुराए हैं। अब जल्द से जल्द हमें उन हीरो का पता बता दीजिए, वरना जहां पना और आपके पिताजी से आपकी ऐसी सिफारिश करेंगे कि आपका पता नहीं चलेगा। मुझे पता है पुपू का तो ठीक है, लेकिन अगर पिताजी को पता चल गया तो मैं लापता हो जाऊंगा। और लापता होने से बचने के लिए हमें उन हीरो का पता बता दीजिए। वो बीरबल जी, वो हुआ क्या? उर्वशी कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह, क्या तुम जच रहे है ना? हाँ, ये तो आज की शान होंगे। जापना का बुलावा है, हम चलते हैं। आज तो हंगामा होगा।
लाइए हीरे दीजिए। माफ कीजिए, हमें लगा। क्या लगा बताइए ना, क्या लगा? तानसेन है। ये बताइए कि उर्वशी कहाँ? वो जापना को बुलावा आया था तो वहाँ गई है। और हीरे? हीरे? हीरे का तो उन्होंने कान का बनवा लिया, उसे पहन के वो दीवाने खास में गई है। कह रही थी आज तो हंगामा होगा। उर्वशी हंगामा करे ना करे, आज हंगामा होगा जरूर। नहीं है, हमारा हीरा है। क्या? मतलब हमारे दरबार का हीरा है। हाँ, हमारे दरबार का हीरा। हम तुम्हारा हीरा नहीं, हम अपने ताजे नूर की बात करता है, इसके कानों में आता। दोका, दोका, पापम, पापम, एका देखा तुन्ना। बादशाह अकबरा एक कनीज के कानों में हमारा ताजे नूर होता, ताजे नूर। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? इनका ताजे नूर ये उर्वशी के कानों में। महिला जी, मतलब जया सूर्या जी, हमने ये सब आप ही की समस्या के समाधान के लिए किया है। कैसा समाधान? कैसा समाधान किया वो? अरे बताओ। अरे बीरबल, भगवान ने सोचने तो दीजिए। हाँ, आपको हमेशा ये समस्या रहती थी ना कि इन हीरो की सुरक्षा कैसे की जाए, और साथ में आपकी ये भी समस्या थी कि रानी की सुरक्षा कैसे की जाए। तो हमने दोनों का ही समाधान ढूंढ लिया है। जय सूर्या जी, हीरे जो होते हैं ना, वो किसी स्त्री के गहने में ही अच्छे लगते हैं। तो हमने उर्वशी को आपके हीरो का गहना बनाकर पहना दिया। अच्छा, ताकि रानी को पता चले कि हीरे गहने में कैसे लगते हैं। उन हीरो की नुमाइश हो, नमूना पेश किया हमने रानी जी के लिए। तो बताइए रानी जी, कैसे लग रहे हीरे? बहुत अच्छा, हम ऐसा पहनेगा, ऐसा किसी ने नहीं पहना होता ना। हाँ पर मोड़े आ। हमारे लिए ऐसा पहले क्यों नहीं बनवाया? सोचिए, सोचिए रानी जी, जब ये हीरे उर्वशी पर इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप पर तो लाजवाब लगेंगे। लेकिन रानी जी, इनकी सुरक्षा के लिए आपके साथ 4 पहरेदार लगा दिए जाएंगे। और अब आप चलेगा चलेगा, ताजे नूर के लिए सब मंजूरा। देखा महिला जी, जया सूर्या जी, अब हीरे भी सुरक्षित और आपकी रानी भी सुरक्षित। ये सब हमने आप ही के लिए किया था। अरे वाह बीरबल, वाह। वाह बीरबला, वाह। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज तुम्हारा बुद्धि का चमत्कार देखा, हम खुश हुआ, हम तुम्हारे गले लगना चाहता है। वाह बीरबला। आम
इस कनिष्क के गले भी लगेगा। वाह 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 बीरबल, ये सब तो हमारे समझ में आया, लेकिन ये इनके हीरे उर्वशी के कान तक पहुंचे कैसे? हाँ बीरबल जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हम बाद में बताएंगे। जा बना, क्या है कि ये बड़ी लंबी कहानी है ना? शाही खून है हम दिमाग क्यों? हाँ है, बहुत लंबी कहानी है। जा बना, ये कहानी आधी हम आपको और बाकी की आधी शहजादे सलीम और वासु बताएंगे। नहीं, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आप इन दोनों का एका देका ठुन्ना कर देंगे। ओहो, हम बस ये चाहते कि जैसे आप बिरबल के साथ बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, वो सब बिरबल के साथ ना करके हमारे भाई साहब के साथ करना शुरू कर दीजिए। सच तो ये है बलदेव के, हमें एक दोस्त की जरूरत है। अब लेकिन बिरबल जी है ना आपके पास? अरे नहीं नहीं, बिरबल के साथ आजकल वो मजा नहीं आता। हम चाहते हैं कि आप हमारे पक्के दोस्त बन जाएं और बिरबल की जगह ले लें। सच?